बेहतरीन तो टीसीएस ही है। बढ़िया, टीसीएस आईटी में बढ़िया मूव आता हुआ, काफी हद तक निफ्टी बैंक की हल्की वीकनेस को निगेट करने की कोशिश अब कुछ सारे दिग्गज स्टॉक्स करते हुए। निफ्टी अब 18 पॉइंट हल्के हरे निशान के साथ 18,070 के जोन्स पर। कल की क्लोजिंग सब हम ऊपर कामकाज कर रहे हैं। शुभम, ओपनिंग के बाद क्या ट्रेड पकड़ा आपने? आशीष जी, ओपनिंग के बाद एक स्टॉक अगर हम देखें जो कि काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है वो है ONGC, जो कि मार्केट में आज एक टॉप परफॉर्मर भी है। और मुझे लगता है कि ये जो ब्रेकआउट स्टॉक में आता हुआ दिखा है उसके बाद हमें यहाँ पे और अप मूव ये फॉलोअप में आता हुआ दिखेगा। और पिछले कुछ समय का अगर डेरिवेटिव डेटा देखेंगे तो पिछले लास्ट एक्सपायरी में एटलीस्ट काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस थे, तो मुझे लगता है कि अब फिर से इस न्यू एक्सपायरी में भी अब लॉन्ग बिल्टअप होता हुआ दिखना चाहिए। 170 के स्ट्राइक का अगर हम कॉल ऑप्शन देखें एट द मनी का, अभी 6 रुपये 10 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। इस कॉल ऑप्शन पे खरीदारी की राय है, एक स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर सकते हैं 4 रुपये 80 पैसे पे। और अपसाइड में मुझे लगता है कि 9 से 10 रुपये तक का टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिखेगा। तो ONGC का 170 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन पे खरीदारी की राय। ओके, ONGC में तेजी करिए। कैश मार्केट में 1.5% के उछाल के साथ ONGC कामकाज करता हुआ, तेजी को बढ़ाने का तरीका आपकी स्क्रीन पर। 170 का कॉल ONGC का आप खरीद सकते हैं। कच्चा तेल अभी भी $109 के आसपास ट्रेड करता हुआ, कल से आज के बीच का जो डिफरेंशियल है उसको प्राइस इन करने की कर रहा है ONGC कोशिश। और उसके डिफरेंशियल की पीछे वजह रशियन फर्दर सैंक्शन जो लगाने की यूरोपियन यूनियन, जो US कर रहा है तैयारी। गावा सर ने भी कोई ट्रेड देख लिया ओपनिंग का। गावा सर, कौन सा ट्रेड है? स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है अडानी एंटरप्राइजेस। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम है, बस ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप होगा 2070 का और मेरे ख्याल से 2150 पॉसिबल है, 2200 भी पॉसिबल है आते दिनों में। अडानी एंटरप्राइजेस, अदानी इंटरप्राइजेस अगर आप देखें आपको स्ट्रॉन्ग लगता हुआ। इस बीच और कुछ स्टॉक्स को देखिए। शुभम, लुक एट टाटा मोटर्स। आई थिंक कल मैं इसका जिक्र करना भूल गया था, एक फैक्टर का जो कि क्रिटिकल था। टाटा मोटर्स ने कल अपने सारे एवरेज को जाके स्ट्राइक किया था और आज ऑटो अच्छा करता हुआ और ये अपने सारे एवरेज के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। दैट्स गुड। ट्रेड है कि नहीं मैं आई थिंक नहीं तय कर सकता, लेकिन दो चीज़ें स्क्रीन पर इकट्ठे अपीयर हो रही है तो इसलिए मेहमानों से राय लेता हूँ। शुभम, ICICI बैंक डे हाइपर और एक टाटा मोटर्स, दो सेक्टर्स के दो लीडर, अगर मैं आपको चॉइस दूं कि इनमें से एक चूज करके ट्रेड करना है क्योंकि दोनों ही बेहतर लगते हुए इस वक्त, क्या प्रेफर करेंगे आप? वीरेंद्र जी, मैं जाऊंगा ICICI बैंक के साथ, जहां पे अगर हम देखें तो कल भी एक अच्छा मूव था और आज फिर से यहां पे फॉलोअप में बाइंग आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है प्योरली ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से यहां पे एक कॉल ऑप्शन हम खरीद सकते हैं। 760 के स्ट्राइक का अगर हम कॉल ऑप्शन देखें ICICI बैंक का, अभी 17 रुपये 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, इस पर खरीदारी की राय है। एक स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर सकते हैं 14 रुपये पे। और अपसाइड में मुझे लगता है कि 24 से 25 रुपए तक का टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिखेगा। तो ICICI बैंक मेरा प्रेफर्ड बेट होगा कंपैरेटिवली ये दोनों स्टॉक्स में से। ICICI बैंक प्रेफर्ड बेट होगा।